ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, तो फिर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? यानी कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा, कार्तिक, वेदिका कोई भी बुरा नहीं है ना, तो फिर किसकी होगी जीत? ये तो कार्तिक और नायरा है ना, इनका किडनैप हो गया है। ये भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा, इनके बीच थोड़ी नोकझोंक होगी, प्यार होगा और सारे गिले शिकवे दूर होंगे। भाई इन्हें तो उन किडनैपर्स को थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने इन्हें ये मौका दिया। स्टार्स की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये बदमाश गए तो थे बच्चों को किडनैप करने, लेकिन गहनों के लालच से नायरा और कार्तिक को किडनैप कर लिया। बच्चों को किडनैप करने आते कुछ लोग और वहां गलती से नायरा मिल जाती है उन्हें और उन्हें बचाने में कार्तिक भी किडनैप हो जाते हैं। नायरा और कार्तिक ने कोशिश तो बहुत की उन गुंडों से निपटने की, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हें दे दिया नशे का इंजेक्शन। बस फिर क्या, जैसे ही नशे का असर इन पर हुआ दोनों के बीच शुरू हो गई बहसबाजी और ये तकरार धीरे धीरे बदल गई प्यार में। इतना ही नहीं, आज पहली बार कार्तिक ने भी नायरा के गुजरे लम्हों को जिया कि कैसे नायरा ने अकेले ही वो 5 साल गुजारे और किन किन मुसीबतों का सामना कर अपने और कार्तिक की निशानी कायरव को जन्म दिया। ये सारी चीजें एक एक करके हमें पता चल रही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द डिलीवरी एंड एवरीथिंग दैट शी गोज थ्रू, क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे लोग पेश आए उनके साथ, कैसी एक फ्रेंड थी जिन्होंने उनकी मदद की, वो सारी चीज़ें वो कार्तिक को बता रही है नशे में और कार्तिक रोए जा रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे कैसे क्लोज आ रहे हैं उस पर। जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो उतना ही मेरे पास आ जाती है। इस नशे के इंजेक्शन ने न सिर्फ दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए बल्कि इनके अटूट प्यार को और भी मजबूत बना दिया और अब इस नशे की हालत में ही दोनों एक दूसरे से जाने अनजाने में फिर से शादी रचा लेंगे और गुंडों के चंगुल से भाग भी निकलेंगे। नायरा के पास से जुड़ा एक सबूत मिला है, ये एक सबूत कोर्ट में बाकी सारी दलीलों पर बहुत भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो बात आमनी मिश्र, तुम तो कार्तिक गोयनका का केस बिना लड़े ही जीत गई।